तो नमस्कार दोस्तों, मैं टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है 28 कैसे भी अभी कभी अभी हमारा जो कंसेप्ट है ये कहां से अपना नाम वाला बताइए। हम नेपाल से हैं और हम आज डीएम वेरिफिकेशन फील्ड का प्रॉब्लम मेरे पास। ये आपका फोन है कि इंस्टीट्यूट का? मेरा फोन है, खुद का फोन है। ये आपने कहीं और दिखाया था? सर जी सर दिखाया था, नाम काम नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आप लाइव काम करने वाले हैं, खुद से करेंगे या मैं करूँ? खुद से करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले फ्लैश करना है। क्या करना है इसको? फ्लैश से नहीं होता है तो सीबीएमसी चेक करनी है, फिर इसका हेल्थ चेक करना होता है। क्या करना होता है? तो फिलहाल तो पहले सबसे पहले क्या करें इसका, एक बार करके दिखाएगा इसका? दिखाया है? रियलमी का तो नहीं दिखाया ना? चलो सर, एक रियलमी की फ्लैशिंग हमारे माइंड में सेट हो जाएगी कि होती है कि नहीं। चलो सर, तो उसके लिए अनलॉक टू से करेंगे। किससे करेंगे? बाकी आप यूएमपी से भी कर सकते हैं, फ्लैश टू से भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फोकस करने लो जब ये बोले जिनके पास, फिर ये मेन टॉपिक इस पे ना। ठीक है, उसके बाद मीडिया टीम जाएंगे। वेरी गुड, कहां जाएंगे? ठीक, उसके बाद सर हम जाएंगे सुपर कैप्टन। वेरी गुड, अरे आप जा रहे सीधा फाइल में जा रहे सीधा, कहां जाना है? वेरी गुड, अब जहाँ पे हमारी फाइल रखी तो डेस्कटॉप पे रखी, कहाँ पे रखी? जाइए यहाँ पे रियलमी 3 जी, ये हम फाइल सेट कर लिए। वेरी गुड, ये हमारा फाइल लोड हो गया। क्या हो गया हमारा फाइल लोड? होने के बाद देन यहाँ पे जाना है जनरेट में, कहाँ पे जाना है? जाइए यहाँ पे आने के बाद अब कुछ भी टिक टिक करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करते रहे, देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं होता। कर दीजिए। अब ये यहाँ पे ना, अब ये जो फोन है ना, ये अप डाउन से आएगा। किससे आएगा? तो दो लोगों की हेल्प हो सकती है, तो यहाँ पे क्या कर देना? नहीं वो है ना, पीने वाली है। चलो तो ये कैसे कनेक्ट होगा? अप डाउन कैसे कनेक्ट होगा? कनेक्ट हो गया सर? नहीं हुआ, पहले अप डाउन नहीं हुआ, फिर से निकालो, स्टॉप करो। चलो फिर से करो, बैटरी निकल के लगा, निकल के लगा। एक ट्विजर ले आओ, ट्विजर देना सर। सेट चालू हो गया? चालू हो गया, ट्विजर देना, ट्विजर देना। अरे बोलो, सिस्टम की फाइल जा रही है, इसके बाद यूजर डाटा राइट होगा। यूजर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, हम लोग साइड कोई सकार नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा था, डेट होने के कारण डेट हो जाएगा, पता नहीं रहता ऐसा। अब तो लाइव काम दिखा रहे हैं, तो अपडेट होगा क्या? नहीं सर, आपके पास मैंने उसका सलूशन भी बताया, उसको वो सलूशन आपको लग रहा है अंदर से, तो आप उसको सलूशन है आपके पास, क्या आपके पास?
अब इसको ले जाना है रूम पे, जब तक डेड नहीं हुआ तब तक काम करो इसमें. तो तब तक नहीं छोड़ना है, सब लोग करो उसको क्लास. उससे फाइल ले जाओ और सब लोग एक एक करके फ्लैश करो, उतना नहीं करना, दो चार लोग पांच लोग मिलकर के. ठीक है, अब ये फाइल मेरे को जल्दी नहीं मिलेगी तो मैंने लिमिनो से डाउनलोड किया. कहां से डाउनलोड किया? लिमिनो. नहीं तो रिपेयर माय मोबाइल, फ्री से साइट डाउनलोड करते तो रिपेयर माय मोबाइल, नहीं तो पैड लिमिनो. अब इन्होंने रियलमी 3 बताया था मेरे को, पर ये रियलमी 3 आई नहीं आई. अब ये 3 की फाइल डालते थे तो डेड हो जाता, डेड हो जाता. यही नॉलेज रीड किया मैंने. क्या किया? चलो, तो कितने 4 मिनट में डन कर दिया मैंने. तो एक बार जब कभी हो तो बैटरी को निकाले, वापस लगाए और देखते हैं कि फोन हमारा क्या कंडीशन बनता है. तो मैं यहाँ पे पावर की प्रेस करता हूँ. ऑन हो गया, ऑन हो गया. लाइट आ गया क्या? लाइट आ गया. अच्छा, मैं मैसेज भी आ रहा था. क्या आ रहा था? मैं मैसेज आ रहा क्या? देखते कंप्लीट. अब देखिए यहाँ पे ना, क्योंकि हमने देखिए डायरेक्ट रिकवरी में चला गया. कहाँ में चला गया? सब देखो आज भर भर के देखो क्या क्या फॉल्ट आता है मार्केट में. समझ आ रहा है मेरी बात? तो जब कभी आप फ्लैश करो, जब कभी आप क्या करो, और इस तरीके से आ जाए. कहाँ पे आ जाए? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. मतलब सर ये जो यूजर डाटा है, ये फोन होगा 16 GB का. कितने जीबी का? राइट, यूजर डाटा कितना हुआ? वो मैच ही नहीं कर रहा है. क्या नहीं कर रहा? सिंपल सा इसको कर देना वाइप डाटा. क्या कर देना? सीधा सॉरी चाइना में चला गई. चाइनीज तो उतना भी नहीं आता मेरे को. स्टार्ट कर लेते. अब देखो फिर से ये रिकवरी में जाएगा. जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूजर डाटा मैच ये तब आता है जब यूजर डाटा मैच नहीं होता. देखो फिर से देखो, आज पूरा एरर देख लो. आज पूरा इतना आज का दिन सही है. इतना एरर किसी क्लास में नहीं हुआ है जितना आज देखने को मिला है. तो आपको सिंपल सा क्या करना है? वाइप डाटा करना था. हो सकता है वाइप डाटा भी दब गया मेरा वहां पे. समझ आ रहा है? थोड़ी ना समझ आ रही थी. तो हो सकता है क्या दब गया वहां पे? वाइप डाटा में सही जगह दबाओ. तो जब कभी ऑटो फ्लैश करने के बाद ऑटो रिकवरी में जाए बोलो वाइप डाटा करना. क्या करना? वही किया हमने, कुछ भी हाइड नहीं कर रहा, सब लाइव काम कर रहा है आपके सामने. कुछ भी अनहाइड काम नहीं कर रहा, ये वाइप डाटा में ही दबा होगा. कहां में दबा होगा? वाइप डाटा. चलिए देखते हैं अभी चालू होता है कि नहीं. तो कैसे लेके भाई क्लास? क्लियर है? तो ये थोड़ा सा क्या हुआ है, फ्लैश हुआ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. बाकी जो हमारा एरर था यहाँ पे, जो हमारा क्या था, एरर सॉल्व हो गया कि नहीं? और आप बता रहे थे कि ये शॉप से भी रिटर्न आया था, शॉप में ले भी नहीं रहे थे, पर ये हमने लाइव क्लास में आपको दिखाया. कैसा लगा? अगर ये चुटकी में चालू कर लो, सीधे इमरजेंसी में जाओ. कहाँ जाओ? इमरजेंसी जाने का 813 डालो और चुटकी में जाओ, फोन चालू हो जाए. कैसा लगा? क्लियर है? ऐसे ही आप किसी भी मतलब अगर करप्ट एरर आए तो आप उसको फ्लैश करके सॉल्व. कैसी लगी भाई? बढ़िया सर. कंप्लीटली चालू हो गया. इनका एक कहना और भी था कि रिस्टार्ट करने से वापस आ जाता है. रिस्टार्ट करने से क्या हो जाता है? तो एक बार फिर से लाइन भी देख लो कि रिस्टार्ट करने से क्या वापस तो नहीं आ रहा है. देखो इनका कहना था कि रिस्टार्ट करने से सर ये वापस आ रहा था, तो मैं डायरेक्ट बैटरी निकाल दूं. फिर से लगा दिया, फिर से देख लो एक बार. इनका कहना था कि रिस्टार्ट होने से फिर से वापस आ जाता था. आ रहा है क्या? आना होता ना फिर में आ गया होता. आ रहा है क्या? देखते हैं कंप्लीट कुछ चालू होता है. देख हमको तसल्ली मिल रही है. यस सर. क्लियर है? यस सर. रिस्टार्ट से भी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर. चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. चला है 1, 2, 3, 4 और चलो. तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी लिकॉप से दुर्गेश और ये हमारे 28. कैसे रहे आज सामने के लोग? समझ में आया? यस सर. इसको समझ में आया? यस सर. समझ में आया? यस सर. जो पहले से काम कर रहे हैं उनको कुछ नया मिला कि नहीं मिला? और फ्रेशर की बात करें तो नया मिला कि नहीं मिला? पूरा ही नया. चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको ऑपरेट जो आपको सिखाया गया 0 से लेकर के आपको 100 तक लेकर. मतलब क्या कंप्यूटर लेनी चाहिए, क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर डालना है, क्या नहीं डालना, उसका प्रैक्टिकल मिला है. कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है? 11 लोग तो विंडोज 7 बोलते हैं. क्योंकि ड्राइवर का मसला है. किसका मसला है? और विंडोज 11 को तो हमने 7 बना दिया.
पे वीडियो भी देख करके नहीं कर पाते हैं yes, उसको आप कितने सेकंड में क्लियर कर पाएंगे? अभी सारा डाटा दिया आपको, डाटा कम से कम 20-15 जीबी का डाटा दिया होगा, कितने फाइल दिया? क्लास होने से पहले बोला था मैंने, फाइल से काम हो जाएगा पूरा? चलिए अब हम कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि थ्रू आउट इनका कैसा रहा आज सॉफ्टवेयर का फर्स्ट डे की क्लास, तो बाकी इनसे पूछेंगे थ्रू आउट कैसा रहा। तो सबसे पहले मेरे को ही बताना चाहिए, अब बताइए आप कहाँ से हैं? किस स्टेट से? आप नेपाल से, मतलब इंडिया से भी नहीं, नेपाल से। नेपाल की किस जगह से हैं? किसी ने रिस्क नहीं लिया, तो अभी आप खुद से किया? खुद से किया। कैसा लगा अभी आपको? और अभी तक क्लास हार्डवेयर की हो, कैसी रही? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोचते थे कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सिंपल से सिंपल स्टेप में आप समझा दिया पूरा लाइफ फ्लैशिंग हो, टूल हो, ड्राइवर हो, ऐसी देखा आपने? जी हां, पांच स्टेप में सॉफ्टवेयर समझा दिया हो जाएगा। चलिए ठीक है, बेस्ट। आज आपने भी चलाया और किसने लैपटॉप चलाया था? चलिए फिर आ जाइए, बताइए अपना नाम और किस स्टेट से हैं? सर मेरा नाम लकी सोलंकी है, जी कहां से? एमपी में, गुना से। एमपी और गुना से हैं, तो बताइए उधर देखिएगा, तो बताइए आप कि आज सॉफ्टवेयर का पहला दिन कैसा रहा? सर सॉफ्टवेयर का सर आपने बिल्कुल बहुत छोटी लेवल से हमें लैपटॉप की हर चीज की जानकारी दी, जैसे सर स्कूल में नया बच्चा जाता है उसे कोई जानकारी नहीं होती, जी 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 सर उसी तरीके से आपने बिल्कुल छोटी से छोटी स्टेप को आपने बताया। आज आपने क्या यूज किया, कौन से टॉपिक आप यूज किए थे ये तो बताइए? सर हम एमपीके का जो मेगाटेक सीपीयू होता है उस पे आपने फ्लैशिंग और अनलॉकिंग, फ्लैशिंग आपने क्या यूज किया, मतलब एसपी फ्लैश टूल यूज किया कि नहीं? एसपी फ्लैश टूल यूज किया। ब्लैवर भी आपने चलाया, पर भी कैसा लगा सॉफ्टवेयर? बहुत अच्छा लगा, मुझे पहले डर लगता था, मतलब इससे नहीं कि डेड हो जाए, मुझे सॉफ्टवेयर से ही ऐसा लगता था कि पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं। अभी कैसा कॉन्फिडेंस लेवल आपने? बिल्कुल जो डेड रिस्क थी उसका भी सॉल्यूशन सर, जो बेसबैंड वगैरह कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो सर आपने सॉल्यूशन फर्स्ट डे में ही हमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप कर दिया। थैंक यू सर। और किसने आज लैपटॉप चलाया? पहले मुझसे पूछेंगे, आपने भी चलाया था? चलिए जाइए, तो बताइए अपना नाम और आप किस स्टेट से? मेरा नाम अमरकी भाई, मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं आप, तो बताइए कि आज फैशन स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही रहता है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो तरीका हमारा लगा कि जो हम सॉफ्टवेयर का काम सिखाते हैं वो स्टूडेंट से ही कराते हैं, ये कैसा लगा? क्योंकि अगर मैं ही खुद से ऑपरेट करूँ तो मुझे तो नॉलेज है, जब तक दूसरे को डिलीवर ना करवाऊं तो किस चीज का नॉलेज? आप देखेंगे हर जगह सेटअप बना लेते हैं और खुद से प्री इंस्टॉल होकर के आते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि फ्रेश लैपटॉप में काम सीखा, किसने काम सीखा? पूरा एरर नहीं देखा, और एरर की बात करूं तो एरर तो इन्होंने भर भर के एरर देखा है। बताइए आज आपने क्या यूज किया, क्या क्या ऑप्शन आपने यूज किया? UMT या कौन सा? तो ये देख सकते हैं बिल्कुल स्पीड में ही नहीं थे, पर फिर भी इतना कॉन्फिडेंस से कह पा रहे, तो ये ऐसे करें से। अब्दुल जी बताइए आपने पहले फोन सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं आता था, एकदम जीरो से आज बिल्कुल इतना नॉलेज मिला है कि अगर कोई फाइल नहीं मिलती है तो भी वो कहां से डाउनलोड करे, कहां से जी उसको स्टार्ट करे, कहां से रीराइट? वेरी गुड। डेटा को एज अ फ्रेशर होने के साथ ये खुद बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, फाइल को स्ट्रेक करना, डाउनलोड करना, सीपीयू जानना, सीपीयू पहचानना, तो कैसा? ये हमारे साथ स्टूडेंट है, सिटी डी कॉलेज के नेटवर्क की क्लास थी और हमारे साथ स्टूडेंट है, देखते हैं ये कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 10 साल में। बताइए 10 साल में एक दिन में क्या डिफरेंस है? बहुत मेहनत से ज्यादा इनको नॉलेज मिला, जो मैं 10 साल में नहीं कर रहा था ना, मेरे साथ इक्वल हो गया, तब जब आप इनकी जैसा मेहनत करेंगे, इनको जो दिक्कतें हुई आपको दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, तो और आपके लिए फर्स्ट डे की क्लास ऐसे रही जो आपके लिए 10 साल में जो कुछ डाउट थे ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग में ही गुड होता है, ऑलवेज गुड होना चाहिए। कैसे भी मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा, सबसे बेस्ट एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर। ठीक है,
क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है। हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80 हजार तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।